अस्सलाम वालेकुम, मैं और जसीम और आप देख रहे हैं ड्रीम सेल ब्लॉग्स। आज हम लोग जाने वाले हैं मेरा खुराक की साइड और मेहंदी का मसल्ला। तो चलिए ज़्यादा करते हैं, आपको चलते जाते हैं और जैसे जैसे सब कुछ होगा बता दे रहा हूँ। हम पहुँच गए हैं इमाम मेहंदी का मसल्ला। नाजरन ज़्यादा हो चुकी है और लेकिन अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था तो मैं वीडियो नहीं उतर पाया। क्योंकि ये बाहर का नज़ारा पीछे ऊपर गुंबद और अब हम जा रहे हैं नेहरा खुराक की तरफ। नेहरा खुराक मिलते हैं आपसे वहाँ। नाज़रीन पहुंच गए नेहरा खुराक, पीछे नज़र आ रही होगी आपको नेहरा खुराक। तो नाज़रीन ये जो आप पिलर देख रहे हैं वो पिलर पर मेरे अब्बास गाजी ने बीबी सकीना के लिए यहाँ पर पानी लेने के लिए यहाँ पर कूदे थे और पानी पिया नहीं था, उनके घोड़े ने भी पानी नहीं पिया था। और फिर जब पानी हाथ में ले लिया तो शहीदों के लश्कर ने उनके दोनों बाजू काट दिए और अभी भी ये पानी यहाँ से होकर अब्बास लमदार के रोजे के नीचे जाता है। माशाल्लाह तो भी मिले नाश्ता खाना पीना टी शर्ट्स पूरा बाजार है यहाँ पर। नाउ फिर से बाजार साइड अभी यहाँ पर हम जाफर शादी का थी तो उसके लिए बहुत भीड़ थी यहाँ पर, अभी अब कम हो गई है। यहाँ सब जात की चीज़ें मिलती है और अभी हम शहर से पहुँच चुके हैं इमाम जाफर शादी के बाद। हमारे सज्जाद अंकल इधर रुक चुके हैं और अब पहुँच चुके हैं। तो नाज़रीन ये है इमाम जाफर शादी का मसल्ला, ज़ियारत कर लीजिएगा आप। तो नाज़रीन नेहरा खुराक अपर व्यू नाज़रीन यहाँ से साफ अब्बास लमदार का दिख रहा है गुंबद। सलाम पेश कीजिएगा। नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ पर अब्बास लमदार का पहला हाथ कलम हुआ था। तो चलिए ज़ियारत करते हैं।
اللهم صل على محمد. صلى على محمد وعلى محمد. यहाँ पर हुआ था अब्बास मंदार का हाथ कलम. तो यहाँ से बाहर निकलते ही सीधा हरम. नाज़रीन ये है मीनार अब्बास अलमदार के. नाज़रीन यहाँ पर अब्बास अलमदार का दूसरा हाथ भी कलम हुआ था. बिल्कुल एग्जैक्ट हरम के सामने सामने इमाम हुसैन का हरम अब्बास अलमदार दूसरा. तो ये वह जगह है जहाँ पर जो शेर था इमाम अली जो जिसने जिसको मारा था वो शेर यहाँ पर आया था लाश संभालने. तैयारी शुरू करी तो जनाबे फिजा जे था जे रसूलुल्लाह ना जमाना थी कनीज था ये हबशनी महाराणी था ये बधु राजपाट छोड़ी ने ये रसूलुल्लाह ना घर में कनीज ना तौर पर आया था. અને કરબલામાં ઇમામ હુસૈન સાથે પણ આવ્યા હતા. બીબી ઝૈનબની સાથે કનીઝીમાં હતા. તો એમને બહુ જ એવો વિચાર હતો કે આ લોકો શું કરશે ઇમામ હુસૈન અને બધા શહીદોની પછી. તો એક જમાનામાં મૌલા અલીના જમાનામાં એક શેર હતો સિંહ. એ નાનપણમાં સિંહના નાનપણમાં મૌલા અલીએ પાળેલો હતો અને આ કરબલાના જંગલમાં છોડેલો હતો. તો બીબી ફિઝાને યાદ હતું. બીબી ફિઝાએ બીબી ઝૈનબને પૂછ્યું કે તમે ઇજાજત આપો તો હું એ સિંહને પોકારું, નહીં તો આ લોકો ઇમામ હુસૈન સાહેબના જનાજા ઉપર ઘોડા દોડાવશે. તો જ્યારે એમને ઇજાજત મળી તો એમને સિંહને પોકાર્યો કે મૌલા અલી જેમણે તને પાડ્યો છે એમના ફરજન ઇમામ હુસૈન રસૂલના નવાસા એમની શહાદત થઈ ગઈ છે અને એમના જનાજા ઉપર આ મલૂનો જે છે એ ઘોડા દોડાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. તો તમે આવો અને એમનાથી મહેફૂઝ રાખો ઇમામ હુસૈન અલી સલામના જનાજાને. તો એ સિંહ આવ્યો અને એણે આખા લશ્કરને પાછો ભગાવ્યો અને જ્યાં સુધી 40 દિવસ પછી બધા લોકો પાછા નહીં આવી ગયા એમના સર મુબારકને બધા ત્યાં સુધી એણે બધા જનાજાઓની રક્ષા કરી રખેવાળી કરી. તો એ સિંહની યાદમાં જે જગ્યાએ સિંહ આવ્યો હતો એ જગ્યા અંદર છે, આપણે એની ઝિયારત કરીએ અને પછી હું તમને બૈનુલ હરમમાં છોડું. તમે પછી મગરેબની નમાઝ પડવા માટે તમે હરમમાં જઈ શકો છો. આવી તો અબ જારત હો ચુકી હૈ કમ્પ્લીટ. અબ જા રહે હૈ હરમ કી તરફ ફિર સે. તો અબ જારત પૂરી હો ચુકી હૈ કરબલા કી. અબ ફિર સે રિપીટેશન ચાલુ. મેરે બ્લોગ તો બનતે હી રહેંગે. તો ચલીએ હરમ મેં મિલતે આપસે. અબ્બાસ અલમદાર કા ગુંબદ મુબારક શરીફ.
پیر پہ